ये जो प्रोसेसर है भाई उतना कैपेबल है ही नहीं जो कि हाई परफॉर्मेंस को झेल पाए। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। ये जो हमारे पास फोन है वीवो का Y35, अब वीवो वाले ने इसको कब लॉन्च करा पता ही नहीं चला। ये जो फोन है एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है और ऑफलाइन वालों का पूरा ध्यान रखा गया है भाई। डिजाइन देखो, इसका डिजाइन काफी कति जहर वाला है। एंड हाँ, दुकान वाला कहेगा ना भाई 8GB की रैम है और 8GB बढ़ा भी सकते हो, तो इसमें आपको 8GB की रैम भी देखने को मिलती है और 8GB आप बढ़ा भी सकते हो। अब देखो, इस वाले फोन को भाई आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं इंडिया में, और जब ये फोन आया था भाई 19,000 रुपए का आया था, और अभी हाल फिलहाल की प्राइस जो चल रही है भाई 18,499 रुपया ऐसी चल रही है। मैं इस वाले फोन को कुछ टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ। जिस प्राइस पॉइंट का ये फोन है ना, खड़ा नहीं उतरता अपने प्राइस पॉइंट पे। एंड स्क्रीन पे मैं इस वाले फोन की सारी स्पेसिफिकेशन डाल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस की और इसमें क्या अच्छा खराब है सब कुछ बताएंगे भाई। तो वीडियो लाइक टारगेट सेट करते 500 का, आई होप आप पूरा कर दोगे। चलो शुरू करते हैं। डिजाइन इसका भाई काफी अच्छा है, आप अलग अलग एंगल में टिल्ट करोगे फोन को तो बैक पे भाई बॉक्स टाइप का पैटर्न बनता है, काफी अच्छा लगता है भाई देखने में। और कैमरा मॉड्यूल वगैरह भाई काफी बड़ा बड़ा दे रखा है जो कि दूर से ही झलकता है। अगर आप पकड़े रहोगे ना हाथ में फोन को, लगेगा कि भाई हाँ बंदे ने पैसा दिया है 19,000-20,000 रुपया। एंड इसका जो बैक है ये प्लास्टिक ही है, लेकिन काफी अच्छी प्लास्टिक का यूज किया गया। मैंने इसको विदाउट कवर भी यूज करा है, अभी तक इस पे कोई भी स्क्रेचेस वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिले। यहाँ पे फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह भी नहीं आते बैक पैनल पे। थोड़ा सा हेवी फील होता है ये फोन, वन हैंड आप इस वाले फोन को यूज नहीं कर पाओगे। और भाई साहब, अब इस वाले फोन में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब देखो, इस वाले फोन में सारे पोर्ट्स एंड बटन दे रखे हैं, लेकिन इसमें नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं, जो कि थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? इतना महंगा फोन और नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं दिया। अब देखो, मैंने इस वाले फोन से कॉलिंग वगैरह करी थी, नॉइसी एरिया में होंगे ना, बिल्कुल भी नॉइस को ये क्लियर नहीं करता है। इवन अगर आपको कॉल रिसीव होगा ना, तो फर्स्ट टाइम पे भाई दूसरे का जो आवाज है ना वो आएगा ही नहीं, और दोबारा फिर कॉल कट करके कॉल बैक करना पड़ता है, तब जाके अच्छे से बात होता है। एंड यहाँ पे 4G+ वगैरह का भी सपोर्ट नहीं दे रखा है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई ऑफलाइन वालों लोगों के लिए। यहाँ पे नेटवर्क वगैरह में भी ये लोग कंजूसी कर रहे हैं। एंड इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि हर बार काफी अच्छे से काम कर जाता है। अभी मैं आपको इसकी लाउडनेस सुनाता हूँ। अपने ढिंकेज पूजा जिंदाबाद। सिंगल स्पीकर है, लेकिन स्पीकर की लाउडनेस अच्छी है। एंड ये जो फोन है एक फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डे टू डे यूज में भाई एक्चुअल फील होता है। एंड अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो ना, तो आपको कलर्स वगैरह डिस्प्ले के अच्छे देखने को मिलेंगे। आउटडोर में अगर आप फोन को यूज करते हो, डिस्प्ले इजिली विजिबल हो जाता है। एंड यहाँ पे वाइडबैंड L1 वगैरह का भी सपोर्ट दे रखा है, तो नो डाउट यहाँ पे डिस्प्ले इस वाले फोन का अच्छा है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे डिस्प्ले से। लेकिन फिर भी प्राइस देख लो, मतलब इतने में एमुलेट आ जाता है। यहाँ पे बात करते हैं इसकी भाई OS की, तो ये जो फोन है Android 12 पे आता है, और आपको Fantas OS 12 पे देखने को मिल जाएगा। UI वगैरह में मेरे को कोई भी लैग या फिर जिटरिंग वगैरह देखने को नहीं मिला, यूजर फ्रेंडली वाला UI देखने को मिल जाता है। एक चीज अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बैटरी बैकअप भी ये फोन काफी अच्छा निकाल कर दे देता है भाई। आप नॉर्मल यूजर हो तो 1 से 1.5 दिन का आराम से निकाल कर दे देगा, और चार्जिंग स्पीड वगैरह भी अच्छी है, 1 घंटा लगता है 0 to full चार्ज होने में। खैर, अगर बात करूं दोस्तों इस वाले फोन की परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस जो इस वाले फोन का ना, अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो तो कहीं से भी मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर आप थोड़े से टेकी हो, तो आपको खुद पता होगा कि अभी ये जो प्रोसेसर है 10-11 हज़ार के रेंज में आने लगा है। अब यहाँ पे ऑन पेपर नॉर्मल यूजर्स की बात करूँ ना, तो मैंने इसकी अंतुतु स्कोर निकाली थी, 2 लाख के प्लस इसकी अंतुतु स्कोर निकल के आती थी। गीकबेंच वगैरह मैंने देखा, वहाँ पे भी स्कोर वगैरह अच्छी निकल के आती है। हालांकि यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग में ये फोन लटक गया, मैक्स परफॉर्मेंस आपको 68% का देखने को मिलता है, जो कि काफी थ्रॉटल कर गया भाई। मैंने गेम प्ले करा था, यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर आप कंटिन्यूस गेम प्ले करोगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है भाई उतना कैपेबल है ही नहीं जो कि हाई परफॉर्मेंस को झेल पाए। तो नॉर्मल यूजर्स, नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक है भाई, आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि ये फोन हीट वगैरह भी नहीं होता है, काफी अच्छे से ये फोन हीटिंग को कंट्रोल करके रखता है। एंड यहाँ पे इसकी रैम मैनेजमेंट वगैरह मेरे को अच्छी लगी, लेकिन ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग थोड़ा सा डिले फील होता है। और बात करते हैं इसकी कैमरे की, तो मैंने वाले फोन से फोटोज वगैरह ली थी भाई, फोटोज वगैरह काफी अच्छे आते हैं, डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलेगा, लाइट कंट्रोल वगैरह भी फोटोज में अच्छी होती है। सेल्फी कैमरा वगैरह मैंने ट्राई करा, सेल्फी कैमरे वगैरह से भी फोटोज वगैरह अच्छी आती है, डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड इस वाले फोन से आप फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, हालांकि 60 FPS का भी ऑप्शन है, लेकिन वो 720p पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह आप देख लो, वीडियोस की क्वालिटी वगैरह अच्छी आती है। तो ओवरऑल भाई इस वाले फोन में क्या अच्छा लगा भाई, आपको मैंने सभी कुछ बताया जो मेरे को अच्छा लगा।
लगा जो खराब लगा सब कुछ मैं बताते आया हूँ। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखू ना भाई, तो इस वाले फोन में मेरे को कैमरा अच्छा लगा, बैटरी बैकअप अच्छी लगी, डिजाइन वगैरह भी अच्छी है, बिल्ड वगैरह भी भाई यहाँ पे मस्त देखने को मिल जाती है। अब देखो ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, खासकर वीवो ओप्पो के फोन से, क्योंकि वो अपने ब्रांड वैल्यू के नाम पे कुछ भी देते हैं और ज्यादातर ऑफलाइन वालों को देते हैं, क्योंकि वहां पे भाई लोग टेगी नहीं होते, पता नहीं होता लेके आ जाते हैं। अब बाद में कोई अगर वीडियो ये देख रहे होंगे लेने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप यूज करो फोन को, फोन अच्छा है। बस यहाँ पे क्या है कि भाई इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे भी बेटर स्मार्टफोन मिल सकता था। बाकी यहाँ पे मैं इस वाले फोन को अभी के टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर आप अभी के टाइम पे इस वाले फोन को 19,000 रुपया दे रहे हो या फिर 18,000 रुपया दे रहे हो, उस प्राइस पॉइंट में बेटर ऑप्शन मौजूद है। यह फोन सेकंड हैंड मिल रहा है 13-14 हजार का, आप डेफिनेटली ले सकते हो भाई। आप कमेंट करके बताओ आप अपनी राय कि क्या लगता है आपको इस वाले फोन के बारे में। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।